अमृतसर में इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के सामने लूट की घटना सामने आई है। इस संबंध में पीड़ित ने कहा कि वह एक निजी कंपनी में काम करता है और रोज की तरह रुपए लेकर बैंक में जमा करता है। और रोज की तरह आज भी जब वह बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था तो दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लुटेरों ने उसे घेर लिया और उससे लूट की घटना को अंजाम दिया। उसने कहा कि उसके पास करीब 10 लाख रुपए नकद थे और लुटेरों ने उसकी आंख में मिर्च पाउडर डालकर तेज धार हथियार से हमला कर दिया और लूट कर फरार हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस हर पहलू से गहनता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पीड़िता का बयान दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लुधियाना के न्यू राजगुरु नगर में एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी से 8.5 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे। बेशक इस मामले की जांच पुलिस सक्रियता से कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। चरणजोत सिंह भाई कितों से रहने वाले भाई? सर मैं राज है, मैंने काले कन पड़ते रहना। ये की मामला है सर? जरा मामला ये है सर, मैं कैश चुकना वा कंपनी का, रेडियंट कैश मैनेजमेंट कंपनी है मेरी। अच्छा, ते मैं सर दो फर्मा तो कैश चुकया, तो मैं तीसरी फर्म ते जा रहा सी। किन्ना सी कैश? ये सर 10.5 लाख तो ऊपर सी। अच्छा, हाँ जी। ते केड़ी जगह जा रहे ये सर? मैं अगे जा रहा सी, कबीर पार्क वाली साइड ते जा रहा सी। ठीक है जी। ते इन सर मैंने राज इन्होंने मोटरसाइकिल एक जाने ने गाड़ी ला देता, तो पिछों सर अखा ने मिर्चा पा दी मेरे। किसी भी जाके तुम कह रहा सी सर? पुरानी चुंगी से। ठीक है जी। किन्ने है? नारंग बेकरी के बाहर भाजी। ठीक है, किन्ने जाने सी? चार जने। तो उन्होंने दातर दुतर मारे, मैं पहला बैग नहीं छड़िया अपना, फिर जो उन्होंने पिस्टल गड्डी दे, फिर सर मैं अपना बैग बचा के, तो मतलब कि बैग छड़ दिता मैं। तो उन्होंने हमला किया? हाँ जी सर। की मारे थे सर? दातर मारे ने। कितने कितने मारे थे सर? बांध मारा, कभी बांध तो लक च मारे ने। ठीक है, तो कैश लै गए ने वो? कैश सर खो के लै गए ने। तो किसी ने थोड़ी कोई दुश्मनी हो गई जा लगता कि कौन सी? नहीं सर, कोई लुटेरे ही सी। किन्ने बजे का टाइम सीगा सर? ये सर 9:30 का टाइम सी। ते पुलिस पहुंची है जी? हाँ जी, हाँ जी सर पहुंची। पुलिस वालों की कार्रवाई की जा रही सर? कार्रवाई मतलब कि मौका ही वारदात ते गए ने, स्टेटमेंट लै गए ने मेरी, उन्होंने मौका वारदात ते गए ने। हुण की प्रशासन को की मांग कर दिया था? बस यही है कि मतलब कि जल्दी जल्दी फड़े जान, मेरा जरा कैश वापस दिता जाए। दो चार मुंडे ही, तो दो मुंडिया को दातर ही, वह दातर मुंडे दातर मारन डे ही, तो जिन्ना जिन आप उतों मैं टैंपू आया हूँ, उन्हें कहते सवारियां काली पै गई, मैंने तो छेती जाना आप, तो उन्हें जो मुंडे इधर निकल गए ही, तो इतने कोई नहीं बंदे बुद्ध वेखन रहे ही, तमाशा वे जो लोग वेखते होंगे। किन्ने नौजवान सी? तो भाजी चार मुंडे ही, हल्के हल्के कोई 16-17 साल की एज जी उन्होंने मुंडिया की। किधर नू गए? किधर भाजी? इधर नू गए जी, आया आउटसाइड गए सदे बाद भजा के मोटरसाइकिल, दो मोटरसाइकिल ही उन्होंने मूँह ढके उन्होंने। हाँ जी, मूँह खट्टे उन्होंने, परने बदे ही खट्टे परने मूँह ढकया वा। ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਨੇ? ਨਾ ਮੋਨੇ ਭਾਜੀ, ਮੋਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਨੇ। ਪੀਡੀਐਡ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਖੋ ਹੋਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਮੁਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰ? ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਚਸ਼ਮੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਕੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆਏ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ? ਕਿੰਨੇ? ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ।